एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिनार की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि भी मैं लद्दाख राइड करके आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि लद्दाख राइड के बाद अगर कोई भी ये जानना चाहता है कि यूज़र रिव्यू क्या है, कि ये बाइक कैसी है, टफ टेरेन में चलाने लायक है या नहीं है, क्या इसकी पावर कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की और रोड साइड प्रेजेंस की। तो यार इसका लुक बहुत ही अच्छा है, एक कम बजट में आपको एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स बाइक का लुक देती है। उसके साथ में इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मोस्टली बॉडी पार्ट इसके फाइबर के हैं, बट ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। बिल्ड क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन सच पास राइड में एक बार मेरी बाइक गिरी भी थी, आपने सच पास के अगर वीडियो देखे हैं, मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, बट इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसके बॉडी पॉस्चर की बात करते हैं, इसकी सीट की बात करते हैं, तो इसका जो सीट है और इसकी जो क्वालिटी है वो टूरिंग बाइक के हिसाब से ही डिज़ाइन की गई है। आपने देखा होगा कि मैंने जब काफ़ी लंबी राइड की थी, अगर मैं करू या लेह से बोल दूँ, लेह से मनाली, और सेकंड डे जब मनाली से हमने पूरा नोएडा किया था, तो किसी तरह की भी मुझे बैक में किसी तरह का कोई पेन नहीं हुआ था। इवन बाइक चलाते हुए शोल्डर में और नेक में ज़रूर थोड़ा बहुत पेन होने लगा था, सिटी पॉस्चर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड पॉइंट में मैं बात करूंगा इसके हैंडल की। नॉर्मली कई लोग क्या करते हैं कि इसके हैंडल को ऊंचा करवा लेते हैं सिटिंग पोस्चर को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए, बट मुझे ऐसी कभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगी, क्योंकि नॉर्मली मैं इस तरह अगर बाइक चलाता हूं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। तो थर्ड पॉइंट में इसका जो हैंडल है वो बहुत ही सही पोजिशन पर है, किसी भी तरह का हैंडल राइज बार लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मुझे फील नहीं हुई पूरी लद्दाख जर्नी में। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम में। पूरे 10 दिन की लद्दाख जर्नी में मैंने इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव आपको अगर बताऊं तो फ्रंट ब्रेकिंग जो थी वो बहुत अच्छी है। मतलब अगर बाइक अगर कितनी भी स्पीड में, अगर मैं हाईवे पे भी हूं, अचानक से कभी कोई जानवर सामने आ गया, मुझे रोकनी पड़ी, तो आराम से विद इन फ्यू सेकेंड आपकी बाइक रुक जाती है, जीरो तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर इसकी रियर ब्रेकिंग की बात करूँ तो उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम लगी, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी बाइक में नहीं है, हर बाइक में है। डोमिनार जितनी भी 250 हैं या 400 है, सभी की रियर थोड़ी सी कम है, बट इसका वेट इतना ज़्यादा है कि अगर आप कितनी ठीक ठाक स्पीड में भी जा रहे हैं और आप फ्रंट ब्रेकिंग और रियर ब्रेकिंग के कम्बिनेशन को लगाते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड आपकी बाइक रुक जाएगी। ओवरऑल ये कह सकते हैं बाइकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, बट रियर ब्रेकिंग पे बजाज को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बजाज डोमिनार पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। दोनों ही इसमें डिस्क ब्रेक हैं, बट रियर ब्रेक थोड़ी सी कम है और फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छी है। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मेजर इशू है, बट हाँ अगर थोड़ा सा पीछे का इम्प्रूव हो जाएगा तो बेटर रहेगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है इसके सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन इसका ठीक ठाक है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हाईवे पे ठीक ठाक स्पीड में जा रहे हैं, जैसे मेरे साथ कई बार हुआ है कि हाईवे पे जा रहे हैं, अचानक से कोई गड्ढा आ जाता था, या फिर नाइट में राइड कर रहे हैं तो कई बार नहीं समझ में आता था, तो उस गड्ढे से अगर निकलती भी थी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाइक कितनी भी स्पीड में जा रही है सस्पेंशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। तो यार बाइक का जो माइलेज है, कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है 35 का, बट एक्चुअल में मुझे आज तक 35 का नहीं मिला। होता क्या है कि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, तो अगर आप अब 100-110 कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो माइलेज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, बट आप एक नॉर्मल स्पीड पे कंटिन्यू हाईवे पे भी राइड करेंगे तो आपको माइलेज और अच्छा मिल जाएगा। अप्रॉक्स 32-33 तक का माइलेज ये मैक्सिमम दे सकती है, बट सिटी में माइलेज इसका काफ़ी हद तक कम है। आप ये कह सकते हैं कि सिटी में आपको जो एवरेज माइलेज मिल जाएगा वो 28 से लेकर के 31 तक के बीच में ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके वेट की। तो होता क्या है कि जब हम राइड कर रहे थे कई बार ऐसा होता था कि हमें बाइक अपने आप से ही बैक करनी पड़ती थी पैर लगा के, वो कि इस बाइक में पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका वेट है अप्रॉक्स 180 केजी, और 180 केजी की बाइक को आप पैर लगा के नॉर्मली ऐसे पीछे नहीं कर सकते। सिटी के हिसाब से देखेंगे तो ये बाइक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम लग सकती है, क्योंकि सिटी में क्या होता है हैवी वेट की वजह से बार बार जब आपको रोकनी पड़ती है तो कई बार डिसबैलेंस भी हो सकती है, और यू टर्न लेने में और इस तरह के इश्यूज़ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टूर के लिए ये बाइक बहुत अच्छी है, इसके वेट की वजह से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, सिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टैंक कैपेसिटी की। इसकी टैंक कैपेसिटी है अप्रॉक्स 13 लीटर की, जिससे कि आप कवर कर सकते हैं अप्रॉक्स 400 किलोमीटर टू 410-20 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं। आपने देखा होगा लद्दाख सीरीज़ में हमने जब करू से लेकर के मनाली किया था तो उस समय हमने करू में पेट्रोल डलाया था। करू टू मनाली की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 400 किलोमीटर की है, तो वो 400 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। हमने तांडी में डलाया था जो कि मनाली के काफ़ी पास में ही है। तो ओवरऑल आपको टैंक कैपेसिटी ऐसी मिल जाएगी कि आपको कहीं भी फ्यूल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि अपने इंडिया में विद इन आपको 100 किलोमीटर मिल जाएगा। इवन अभी लद्दाख में भी हर जगह पर पेट्रोल पम्प खुल गए थे, तो टैंक कैपेसिटी की वजह से आपको कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट पॉइंट है इसके एग्जॉस्ट के बारे में। तो यार इसका एग्जॉस्ट जो है, इसका जो साउंड है, एक बार मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो यार एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही अच्छा है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। देखने में एक अच्छी फील भी देता है, एक अच्छा लुक भी देता है, और इसका जो डिज़ाइन बना हुआ है वो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे इसका लुक बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या इसमें कमियां हैं जो इस बाइक में हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इसका इंस्ट्रूमेंटर जो कंसोल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन यूजेबल हैं, जैसे कि जो यहाँ टैंक पे इसके ऊपर कंसोल दिया हुआ है, इसमें किसी तरह की कोई नहीं है। एक इंजन अलार्म है, उसके बाद बैटरी का अलार्म है, लोगो है, साइड स्टैंड है और ABS का अलार्म है। इसके बाद इसमें से अगर देखा जाए तो साइड स्टैंड ठीक है, काम का है, इंजन वाला भी समझ सकते हैं, बाकी तो चीज़ें उतनी काम की नहीं है। तो अगर मेन कंसोल की बात करें तो इस मेन कंसोल में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दी हुई हैं। डिस्टेंस के बारे में दिया हुआ, RPM शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, और फ्यूल का कैपेसिटी कितना आपका फ्यूल है वो शो कर रहा है। अगर बात करें तो इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर होना चाहिए था, जिससे कि ये पता चल सके कि बाइक किस गियर में चल रही है। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो फ्यूल के लिए भी होना चाहिए कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस के लिए फ्यूल बचा हुआ है, ये इंडिकेशन भी इसमें होना चाहिए, बट ये बजाज ने नहीं दिया। जो गियर इंडिकेटर है वो तो इन्हें देना चाहिए था, क्योंकि जो बजाज 400 है उसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया हुआ है। सेकंड अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो मुझे इसमें जो नेगेटिव पॉइंट लगता है वो है इसका गियर शिफ्ट का जो साउंड। जब भी हम गियर शिफ्ट करते हैं तो नॉर्मली हमेशा ही इसमें कट कट की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग लगती है और जो ठीक भी नहीं लगता है। नॉर्मली अगर आप बाइक में गियर शिफ्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा साउंड नहीं आता जितना इसमें आती भी है, और फील भी होती है। अगर आप चेंज भी कर रहे हैं पैरों से तो भी फील होता है कि यस कट कट की आवाज़ आ रही है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया हुआ था इसके ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड कि इसका जो रियर ब्रेकिंग सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है। अगर आप ठीक ठाक स्पीड में जा रहे हैं और अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक लगाते हैं, जो कि नॉर्मल कम सीसी की बाइक होती थी, हमारी हैबिट वही होती थी कि हमें रियर ब्रेकिंग ही यूज़ करनी होती है, फ्रंट ब्रेक यूज़ करने पर बाइक स्लिप हो जाती है। बट इसमें जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है कि हैवी वेट की वजह से फ्रंट ब्रेकिंग में तो बाइक ठीक ठाक रुक जाएगी, लेकिन रियर ब्रेक लगाने पर कुछ भी नहीं होता, बहुत ही माइनर स्पीड डिक्रीज़ होती है इसमें रियर ब्रेकिंग करने पे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको मैं बता चुका हूँ, और बजाज को इस पे कुछ काम करना चाहिए जिससे कि रियर ब्रेकिंग भी इंप्रूव कर दे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, वो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है और कहेंगे तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं भी है, वो है इसकी लाइटिंग से रिलेटेड। आपने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, मैंने मोस्टली राइड नाइट में की हुई है, और नाइट में राइड करने पे मुझे लाइट का कहीं कोई मेजर इशू नहीं आया। आप अगर चाहते हैं तो आप अलग से लाइट लगवा सकते हैं, फॉग लाइट लगवा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी इंटेंसिटी की एक लाइट मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके एक और नेगेटिव पॉइंट की, और वो है ये क्लियरेंस। ये जो टोटल क्लियरेंस है ये है 157 mm का, जिसकी वजह से क्या है कि कभी भी अगर सपोज़ किसी आप बड़े पत्थर से आप निकालते हैं तब क्या होता है, जब फ्रंट टायर उसके ऊपर से निकलता है तो इस पोर्शन में वो लगने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लद्दाख जैसे ट्रेन में इस तरह के इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि मुझे पूरी राइड में कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ। बट मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। इससे ज़्यादा तो इसमें नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं लगे, बट हाँ एक पॉइंट ऐसा है जो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उसमें बजाज ही करके दे दे तो बेटर है। अगर बजाज नहीं भी करके देता तो आप खुद भी करा सकते हैं, वो होता है इसका रियर टायर। आप चाहें तो इस टायर को चेंज करवा सकते हैं। अगर आप इसके लुक की बात करेंगे तो जो डोमिनार 400 है उसमें जो टायर है उसकी विड्थ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस टायर, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो 130 की है। तो अगर आप डोमिनार में चाहें तो ये टायर चेंज भी करा सकते हैं, इसमें भी 140 का टायर लग जाएगा, बट अगर कंपनी दे देती तो बेटर रहता। बट जब ये टायर ख़राब होगा तब मैं इसको चेंज करा के 130 से 140 करवा लूँगा। अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो मैंने लगभग सारे ही पॉइंट कवर कर लिए, मुझे जो भी फील हुआ, जो नहीं भी है नेगेटिव पॉइंट और मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो वो भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। तो फिलहाल अगर आप, मैं पर्सनल अपना सजेशन दूँ, अगर किसी को बाइक खरीदनी है तो मैं ये बाइक आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। आप इसे टूरिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सिटी के लिए भी कर सकते हैं। सिटी में थोड़े से नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है कि अगर आपकी ठीक ठाक पर्सनालिटी है तब तो ठीक है, बट अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो ये बाइक सिटी के लिए आपके लिए रिकमेंडेबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी हाइट सही है, ठीक ठाक पर्सनालिटी है तो आप सिटी में भी ले सकते हैं, और टूरिंग के लिए तो ये बाइक बहुत ही बेस्ट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए बाइक से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।